बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फिर बोल लाइफ विद अहसन खान में आपके सामने हाजिर हूं। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। ये एक जो पहले भी कह चुका हूं कि मेरा और आपको जो एक ताल्लुक बन गया ना, वो बड़ा मजे का ताल्लुक है। वो ये है कि मुझे इतना फीडबैक मिलता है, लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोग प्यार कर रहे हैं। आई वॉज इन लाहौर रिसेंटली, पंजाब में दो तीन और जगह पर गया, वहाँ पर जब लोगों ने आके मुझे बोला कि हम आपका बोल नाइट्स देख रहे हैं और फ्लां फ्लां शो और फ्लां फ्लां बात और ये वो, तो मुझे लगा ये तो बड़े गौर से देख रहे हैं, तो वो जो प्यार और बॉन्डिंग होती है ना, वो लोगों से और बढ़ जाती है। और जनाब ये शो, मैं तो ये कहता हूँ ये मेरा नहीं है, आप लोगों का शो है, बिकॉज इसमें जितने भी हम लोग बुलाते हैं आपकी मर्ज़ी से बुलाते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उन्हीं को यहाँ पर बुलाते हैं। आज भी हमने दो ऐसा टैलेंट सेलेक्ट किया है जो बड़े प्यारे लोग हैं, मेरे लिए तो वो बिल्कुल मेरे ऑब्वियसली जूनियर्स भी हैं, लेकिन प्यारे बहुत हैं मुझे, मुझे उन दोनों से बड़ा प्यार है। और उसकी खास वजह मैं बताऊंगा इस शो पे कि उनसे क्यों इतना प्यार है। तो पहले देखते हैं कि आज का जो हीरो आ रहा है वो कौन है। जन्ना प्लीज वेलकम अली अब्बास। कैसा है भाई? फिट फिट। सो गुड टू सी यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अली लॉयर, ठीक है, फिर एक चैनल में प्रोडक्शन मैनेजर और फिर चैनल से एक्टिंग, वो गलती थी या ये गलत किया? नहीं, गलती तो दोनों में से कुछ भी नहीं। लर्निंग एक्सपीरियंस। इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आई थिंक इट वाज रिक्वायर्ड फॉर मी टू रीच हियर। सो यू डिड नॉट जस्ट जंप इनटू एक्टिंग, यू थॉट कि पहले कुछ और भी कर लें? आई थिंक कि ये अल्लाह की तरफ से हो गया। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, जिस तरह हर बंदा चाहता है कि यूं करके एक्टर बन जाए, बट आई थिंक जो स्टेप्स मुझे उससे पहले मिले दे हेल्प मी अ लॉट टू बिकम अ बेटर एक्टर। If I could say about myself. नहीं, of course you're a wonderful actor यार। Thank you. I personally love your acting. You're very good. और अच्छे क्यों नहीं होंगे भाई? मैंने पहले बोला था कि मैं बताऊंगा कि हम लोग आपस में इतने फ्रैंक होते हैं ना, हम तू तू करके बात करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप भी ऐसे बोलें हमारे साथ। ये हमारा प्यार होता है। इसके जो वालिद साहब हैं वसीम अब्बास, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने when I was growing up I saw him in my family. इनके जो दादा हैं जी, अनायत हुसैन भट्टी साहब, उनको तो मैं व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग, और हम जब पाकिस्तान में नया नया शिफ्ट हुआ तो क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मेरे ताया मेरे दूसरे ताया, हमारा घर बिल्कुल साथ साथ घर थे और वो उनके घर में होते थे, और आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग हिम, वॉचिंग हिज वर्क एज वेल। फिर हमें पता चला ऑब्वियसली जब पाकिस्तान आए कि ये कौन है, तो ये एक लेगेसी जो चलती आ रही है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि इनके वालिद साहब से मेरी फैमिली का प्यार, हमारा प्यार इनके दादा से मेरी फैमिली का प्यार, तो ये हमारे लिए बड़ा स्पेशल बच्चा है। तो बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे से ज़रा थोड़ा ही छोटा है, ऐसी नहीं, इट्स एन ऑनर, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट आप इस तरह मेरे बारे में बात करें, बिकॉज आई एम एन एडमायरर ऑफ योर वर्क एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू एज एन एक्टर एंड एज अ परफॉर्मर। आई थिंक यू ऑलवेज बीन लाइक अ कंप्लीट पैकेज। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो आज प्यारी सी, क्यूट सी, चुलबुली सी, एक मजे की जो लड़की हमारे साथ है वो कौन है? सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड सबूर अली। वालेकुम सबूर, क्या हाल है? आपको तो मैं सेट पे छोड़ के आई थी। कौन से सेट पे? हम लोग एक सीरियल कर रहे हैं नकब जैन। अच्छा, काम करने का कभी मौका नहीं मिला साथ, लेकिन आज शुरुआत करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये मुझे इसलिए इतनी प्यारी है कि सज्जल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वन ऑफ माई मैं कहूँगा इस फील्ड में जो चंद दोस्तों में से एक ऐसी दोस्त है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। She is a wonderful actress and a wonderful person. मुझे ज़ाती तौर पे बेहद प्यार है सजल से और आहत ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं सबूर ये बताऊँ, लोग जो हैं वो मुझे फीडबैक देते हैं, फिर हम उस हिसाब से, वैसे तो सभी मेरे दोस्त हैं और सभी इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सभी
मेरी नज़र में बहुत डिग्निफाइड, बड़ी इज्जत के काबिल लोग हैं. लेकिन क्योंकि लोग, फैंस जो इसको फॉलो करते हैं शो को, माशाल्लाह लोग बहुत देख रहे हैं, मुझे लिखते रहते हैं. ऑब्वियसली आपका भी, उन्होंने बोला, जितने भी यहाँ पे आते हैं, और वो चाहते थे कि सबूर और सज्जल को एक साथ बुलाऊं. हम लोग बहुत कम एक साथ जाते हैं. हाँ, उनको ये था कि दोनों बहनें जो हैं वो साथ हैं. सज्जल से, क्योंकि सज्जल ने शो की तारीफ करके मैसेज भी किया, तो शी वॉज नॉट इन द सिटी, में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आएगी आएगी आएगी. मैसेज पे मैसेज, तुम लोगों के बहुत मैसेज होते हैं यार. मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, आजकल किस किस के मैसेज कर रहे हैं मुझे, कौन. कभी कभी तो ऐसे मैसेज आते हैं मुझे पता भी नहीं होता कौन. कुछ एक्टर्स खुद नहीं कर रहे होते. नहीं, मैंने तो खुद बड़े मैसेजेस किए हैं, मुझे बुला लें बुला लें. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं किया, ये बोली ऐसे बस. अच्छा, तो इसलिए सज्जल की ये बहन है, तो नॉट दैट यू डोंट हैव योर ओन आइडेंटिटी, बट सज्जल इज माई वेरी गुड फ्रेंड. मेरा सज्जल के साथ 4-5 सीरियल्स शुरू में बहुत काम है. आप गौरे नायाब, मेरी लाडली, और मेरे कातिल मेरे दिलदार, और कुछ और भी सीरियल्स हैं जो हमारे इकट्ठे, और सुपर हिट सीरियल्स तमाम. कुदरत भी था, आने वाले भी हैं. हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह अलिफ एक आएगा, उसमें वो मेरे से ऑपोजिट नहीं है, उसमें मेरे साथ कुबरा है, हमजा के साथ है सज्जल. तो इसलिए ये सज्जल की बहन है, तो इससे भी मुझे बड़ा प्यार है, ज़बरदस्त. तो इट्स वेरी, इट्स गुड टू सी यू. और मुझे जब भी हंस रही, तो मैंने कहा ये तो सज्जल की हंसी आ रही है यार, सज्जल कहाँ से आ गई. अच्छा मुझे ये बताओ, पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली ना वो बड़ी क्लैरिफिकेशन भी आई थी, वो एक एहसान बेचारा हमारा जो बड़ा प्यारा असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके साथ एक वीडियो बनाई थी, वो बेचारा विंडो साफ कर रहा था, और मजाक में सबूर ने, आई नो हर वेल, मजाक में बोला कि ये देखो, मजाक में बातचीत. हाँ, हो गई. क्या थी था वो? बस वो मजाक था, जैसे सेट पे छोटा तो उसकी स्टोरी चला दी तुमने, बस हो गया, बस माफ कर दे. नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पता, आई नो यू, आई नो योर इंटेंशंस, बट वो क्या था, ऐसे रैंडम एक्ट था? रैंडम एक्ट ही था, इसीलिए लगा दिया था. अगर कुछ प्री प्लान्ड होता और पता होता कि ये सब कुछ होना है तो. बहुत बैशिंग हुई थी उस पे, बहुत ज्यादा. दो दिन नहीं सोई थी मैं, और वो था कुछ भी नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कुछ भी नहीं था और इंटेंशंस ऐसी नहीं थी, और उस पे नींदें हराम हो गई. बल्कि मैं सुबह जब शूट पे जा रही थी, तो मैं इधर उधर देख रही थी, कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, मैं डर के निकली थी. हुआ क्या था? हुआ ये था कि सबसे अच्छी दोस्ती होती है सेट पे, पूरा पूरा दिन हम लोगों ने एक साथ काम करना होता है, और इतने दिनों से हम लोग महीनों महीनों एक साथ काम करते हैं, तो अच्छी दोस्ती सबसे हो जाती है. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जो एटीट्यूड में रहते हैं और मेकअप रूम में किसी से बात नहीं करते. कुछ ऐसे होते हैं जो घुलते मिलते हैं, क्योंकि पूरा दिन एक साथ रहना है जब, तो हंसी मजाक ये चीज़ें तो चलेंगी. तो वो कहीं अपना काम कर रहे थे थोड़ा बहुत कुछ, तो वीडियो सही पा और मैंने बना ली, और उस पर फिर. बट आप लोगों ने टीज करने की कोशिश कर रहे थे. हाँ हाँ, वो उनको पता था, वो उनको पता था, और ऐसा नहीं था कि वो विंडो क्लीनर थे या कुछ, वो एडी थे हमारे, और हम सब मिलके काम करते हैं सेट पे. सो ऑब्वियसली देयर वर नो बैड इंटेंशंस फॉर दैट, बट वो लोगों को ये लगा कि कोई जब मेहनत मजदूरी करता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना. लोगों ने एक डिफरेंट एंगल में उसको लिया. आई थिंक इट वाज आल्सो अ लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर लॉट ऑफ पीपल, कि आप कभी कोई ऐसा काम कर रहे हो तो आप उस पर कॉमेंट, कहीं पर्सनली हम दोस्ती में करते हैं, बट लोगों का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. यू मस्ट हैव लर्न्ड अ लॉट. जी जी, अब तो आप किसी की पिक्चर पर वैसे अगर कॉमेंट कर दो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी लोग आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं. बेचारी देखो ना, उसको डरा दिया लोगों ने आते फील्ड में, मतलब काम वाम करी, मेहनत करी है. लेकिन ऐसा होता है जब ऐसी चीज़ हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस तो होता है, आप ज़रा हो जाते हो कि अब संभल के सोच समझ के चीज़ें करनी है, लेकिन आप फिर मुझे लगता है थोड़े से ढीठ भी हो जाते हो. आपको हो जाता है यार कुछ किया नहीं था, उस पर इतना इशू बना लिया, तो आप फिर कहते हो यार जिसको जो कहना है कहते रहे, आप कुछ भी करोगे लोग बातें ही करेंगे. ठीक है, ये तो है. अच्छा अब मुझे ये बताओ यार, फैमिली में, मैंने तो सुना वसीम भाई ने थोड़ा एतराज़ किया था कि ना कर यार एक्टिंग. थोड़ा एतराज़ नहीं, उन्होंने बहुत एतराज़ किया. अच्छा, बहुत. क्यों भाई? सारी ज़िंदगी खुद करते रहे, फिर उनके वालिद साहब करते रहे, अभी तक कर रहे हैं. मुझे लगता है कि उनका जो कंसर्न उस वक्त था, हाँ, वो उनकी जगह पर बिल्कुल ठीक था, एक बाप होने की हैसियत से. क्योंकि जब तक वो काम कर रहे थे तब तक ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं थी, इसमें पैसे नहीं थे, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं थी, काम नहीं थी. एंड यू नो, आपने तो इतना अब काम कर लिया हुआ है, आपने ये एवोल्यूशन का जो हमारी इंडस्ट्री में प्रोसेस है ये देखा हुआ है. बिल्कुल, बहुत कम पैसे होते थे उस जमाने में, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते थे. फिर जब मैं आया तो तब थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग. मतलब वसीम भाई ने जब फिल्म्स की तो शायद फिल्में कम की, उसके बाद टेलीविजन बहुत ज़्यादा किया, थिएटर बहुत किया, एंड टू अर्न मनी टू रन हिज फैमिली, सो एक्टर्स हैड टू वर्क रियली हार्ड इन पाकिस्तान. आई थिंक ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट प्रोड्यूसर्स एज वेल.
सो वो उसकी वजह से भी बहुत उनको एसेज पैसों का इशू नहीं हुआ, बट ही न्यू कि ये इंडस्ट्री स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह नहीं है. सो ही वॉन्टेड मी टू बी अ लॉयर और अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट, एंड आई चोज टू बी अ लॉयर बिकॉज मुझे लगा ये सबसे बेहतर ऑप्शन है मेरे लिए. दिमाग इसमें उस तरह ज़्यादा सही से चला सकता हूँ मैं जैसे वकील चला सकते हैं. अच्छा, सही. सो या वो फिर मुझे वकालत थोड़ी सी करनी पड़ी उन्हें कन्विंस करने के लिए कि अच्छा यार तब तक तो जाने दें. सही है. शादी से 2-3 महीने पहले जॉब छोड़ी थी शायद. जी. और फिर तो और भी डर गए होंगे पेरेंट्स. अम्मी का क्या रिएक्शन था? अम्मी चिल है मेरी. अच्छा. अम्मी का कोई ऐसा, उनको था कि कर जाऊँगा कुछ. अब्बा जो थे वो वरिड थे. सो आर यू हैप्पी विद योर करियर? Things are moving on, things are good with you. Alhamdulillah. I think ki jis point tak main pahuncha hu, maine kabhi socha bhi nahi tha ki main yahan aaunga. Main soch bhi nahi sakta tha. In the first 2.5 years of my career, maine dobara naukriyan dhoondni shuru kar di. Acha, thodi si disappointment hoti shuru mein sabke saath? Bahut disappointment thi. And disappointment ke alawa mujhe lagta hai ki kuch directors aise bhi jo ki galat baat hai, main I would like to highlight that, jo discourage karte hain. डायरेक्टर मेरी नज़र में इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, ही रन्स द प्लेस. सो अगर एक एक्टर आपके लिए फर्ज करे डे वन से ही लाइबिलिटी आपको लग रहा है, सो योर जॉब एज अ डायरेक्टर इज़ टू पुश दैट गाय और द गर्ल फॉरवर्ड. उसको गाइड करें, उसको समझाएं ताकि वो अच्छे से आपका काम भी निकाल सके. लेकिन अगर आप डे वन उसको डीमोलराइज कर देंगे, उसको कह देंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ, तुम पढ़े लिखे हो जाके राइटर बन जाओ, सो यू नो यू डैमेजिंग योर ओन वर्क. अभी मैं उस दिन मोहम्मद अहमद साहब से कल बात हो रही थी, तो मैं उनसे कह रहा था कि सर मैं आपको देखता हूँ ना, तो मेरी डे वन की जो आपके साथ की मेमोरी है, मैं उधर वापस चला जाता हूँ. मुझे इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि आप मेरे साथ बहुत अच्छे थे, यू इनकरेज्ड मी, सो आई एम द सेम अली अब्बास फॉर यू एंड आई विल ऑलवेज बी द सेम. आई विल बी द अली अब्बास जो आपको डे वन मिला था. बिल्कुल. आप चाहे मैं कुछ भी बन जाऊँ. बिल्कुल जी. नए हमारे जो लोग आते हैं उनको बड़ा इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि हौसला अफजाई से कॉन्फिडेंस आपका जो बिल्ट होता है वो फिर नज़र आता है आपकी पर्सनैलिटी में. अच्छा सज्जल, ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश वंडरफुल एक्ट्रेस, शी इज़ वर्क इन पाकिस्तान, बाहर भी काम किया, एक मतलब हमारी जो बहुत मेन स्ट्रीम मेजर एक्ट्रेस है उनमें सज्जल का शुमार होता है, एंड शी इज़ वंडरफुल, नो डाउट, सारी सब लोग जानते हैं. प्रेशर फील होता है कि सज्जल की बहन करके लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं? अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि अगर किसी की बहन है, बेटी है, बेटा है, किसी का बाप बड़ा एक्टर है, बहन है, तो उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं. उनके लिए चीज़ें आसान नहीं होती, ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन और जो कि हम खुद नहीं करते, कंपैरिजन जैसे अली का भी करते हैं, हमेशा करते हैं, मेरा सज्जल के साथ करते हैं और डे वन से करना शुरू कर दिया. हाँ, और वो एक व्हिच इज अनफेयर. और बात ये कि इनके केस में भी और मेरे केस में भी ये नाम बहुत बड़े बन चुके हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले, बहुत एक टारगेट जो उन्होंने सेट किया हुआ था वो उसको उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. तो वो कंपैरिजन करना हम लोग तो कभी नहीं कर सकते कि हम इट्स अनफेयर इफ समबडी डज दैट ना, इट्स अनफेयर. तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता. ये कि एक्टिंग डे वन से आपको नहीं आ सकती है, आपको टाइम लगता है डिफरेंट कैरेक्टर्स करके, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं. तो कुछ ऐसा करते हो कि कुछ अलग लगो या अलग दिखो, क्योंकि रिजेंबलेंस भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है, आवाज भी मिल जाती है, आवाज भी. तो कुछ डिलिब्रेटली मेहनत है कि मैं सज्जल जैसा काम नहीं करूं? मैंने ऐसा नहीं कभी कुछ किया, लेकिन ये है, सब कहते हैं कि दोनों बहुत डिफरेंट एक्टिंग करती हैं. बहुत अच्छा काम करती हो, मैं तुम्हारा काम देखा है, यू आर आल्सो वेरी गुड माशाल्लाह. थैंक यू. सबूर सज्जल के साथ ही ऑलमोस्ट काम शुरू किया? सज्जल के साथ शुरू किया था, फिर मैंने छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया था. अच्छा. क्योंकि मुझे शौक ही नहीं था एक्टिंग का. मम्मा बहुत कन्विंस करती थी, वो कहती थी वो कर रही है, उसके पास सब होता है और वो सब करती है, उस मेहनत कर रही है, उसको काम मिलता है, शोहरत मिल रही है, इज्जत, तुम्हें मैं ऐसे नहीं देख सकती, तुम करो. तो मैं बहुत इस चीज़ में होती थी कि मुझसे हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं घर में भी ऐसी थी, ज़रा शाये और ज़्यादा बात नहीं करती थी और चुप रहती थी. सज्जल शुरू से पटाखा है घर में और चलाती है अपनी, सब करती है, तो उससे तो एक्सपेक्टेड था वो. और हमारी उससे अभी भी, मेरा भाई हो, बाबा हो, हमारी उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि हमें पता है वो पूरी कर सकती है, तो हम लोग बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा उससे. अच्छा, अब जिस तरह कहा कि मदर वाज सच अ ह्यूज सपोर्ट फॉर यू, डू यू मिस हर? ऑब्वियसली एवरीवन मिसेस. आई मीन मुझे तो एक डेवास्टेटिंग बड़ा एक वो हाँ, होता है, लेकिन वो है, वो फील होता है, वो है, कोई मुश्किल हो, कुछ हो,
नहीं माई नहीं जाती, नहीं जा सकती. Really, you think so? कैसे जा सकती हूँ माँ? मैं, मेरा छोटा भाई है, उसके लिए मैं ऐसे फील करती हूँ जैसे मैं उसकी माँ हूँ. तो मैं उसके लिए कभी, मतलब मैं हर वक्त वो मेरे दिमाग में, दिल में होता है. तो मैं उसको छोड़ने का कभी सोच नहीं सकती कि अकेला किसी भी वक्त में, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में. तो जब माँ बनते हैं तो वो कैसे छोड़ के जा सकती है अपने औलाद को. बहुत खूब, बहुत प्यारी बात है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस. अच्छा, तो रिसेंटली दोबारा काम शुरू कर दिया ज़्यादा, ऐसा कि हाँ, पिछले कुछ सालों से कर दिया और मिल भी गया. अच्छा. और फिर ये होता है ना, कुछ ऐसा काम मिल जाना जिसमें आप कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट और प्रूव कर पाते हो. कभी कभार ऐसा काम नहीं मिलता जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर पाते हो. ऐसी स्क्रिप्ट्स नहीं होती, ऐसी कास्ट नहीं होती, ऐसे डायरेक्टर नहीं होता. तो वो भी एक लक बड़ी मैटर करती है कि कब टाइम होता है. किसी का टाइम होता है, बिल्कुल सही, हर चीज का टाइम है. तो वो मेरे ख्याल से वक्त अब था, वो पहले नहीं था. पहले नहीं था, वक्त अब है. ठीक है, वेरी नाइस. ये लगती नहीं इतनी मतलब समझदारी की बातें कर रही है. और मैं हैरान हूँ कि शो पे ही समझदारी की बातें कर रही है. आम जिंदगी में हम शूट पे होते हैं तो बात सुन रहे होते हैं और बस बात खत्म हो जाती है और हम देख रहे होते हैं कि बात खत्म कब होगी. हाँ, सीरियसली, ये देखो कैसी देख रहे हो, ये दो दो लड़के बैठे कैसी बातें कर रहे हैं. बहुत पहले शुरू में एक साथ काम किया था. हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है. आप हमने डिस्कस की भी थी एक दफा. क्या हमने 3 साल पहले, नहीं नहीं ज्यादा, 4 साल पहले, हाँ, 4 साल पहले एक सीरियल किया था और उसमें वी वर पेयर्ड अप टुगेदर एंड वी हेटेड ईच अदर. क्यों? आई डोंट नो. हमें एक दूसरे, मतलब मुझे ओवर लगते थे. और मुझे लगता था कि यार ये कौन है, ये क्यों, मतलब क्या हो रहा है. मैंने सज्जल के साथ काम किया हुआ था. मुझे ओवर लगते थे. मुझे अनबेरेबल लगती थी. मैं कोशिश कर रहा होता था कि मेरे सीन के बीच में ये ना हो. अच्छा, इसी तरह फिर उसके बाद दोस्ती हो गई. अब नहीं, वो फिर बीच में कहीं कभी कभार मुलाकात हो जाती. कभी कहीं मुलाकात हुई तो बड़ी वो कोल्ड सी मुलाकात नहीं होती. हेलो, हाय, हाय, वो वाली. और मुझे नजर आ जाते थे कि अभी, मैं कहती थी अल्लाह, यहां भी मिलना पड़ेगा. अभी अभी जो हम सीरियल कर रहे हैं उसके अंदर भी जब पता चला मुझे कि सबूर साहब, डायरेक्टर से पूछा कि कास्ट क्या है यार, अच्छा वो लड़की कौन है, तो उसने कहा वो सबूर लड़की. तो एक 10 सेकंड का पॉज मेरे एंड से था कि क्योंकि बहुत काम एक साथ था और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी. तो मैंने कहा यार ये तो बॉस कैसे बनेगी, केमिस्ट्री नहीं डेवलप होगी. और पहले 2-3 दिन में हमें मुश्किल हुई भी, मुश्किल हुई. मतलब वो जो एक दूसरे को जरा सा ताना मार के कमरे से जाना होता है, ताना मार के कि हाँ हाँ ठीक है, वो वाली बात. पर सीन में जैसे मैंने कुछ घबरा गया था. हाँ, वो उसने अलग अलग से हमारी काउंसलिंग की. पहला सीरियल था वो, उनका घबराना बनता था. मुझे कहा कि यार देख अली, यार उसके साथ बहुत काम है तू जरा. मैंने कहा भाई मुझे क्यों समझा रहा, उसको समझा, मुझे क्यों समझा. एक सीन था जिसमें ना मैंने कुछ खिलाना था कि आमिर भाई आप खाएं ना. अब मुझे पता था डाइट कर रहे. मैंने कहा अब मजा आएगा ना. मैं खिलाती गई, जबरदस्ती रीटेक कराई, खाएं ना और खाएं. मैंने आपके आपके लिए हाथों से बनाया, खाएं खाएं. वो कल मैं सीन देख रही थी, कल मैं ड्रामा देख रही थी. हाँ, हाँ. मुझे इतनी हंसी. अच्छा, यहाँ बैठे हुए तो ऐसे दोनों बातें आपस में कर रहे हैं जैसे कोई एक ही घर में रहते हैं और वहीं से उठ के आए हैं. ये इतने दुश्मन एक दूसरे के लेकिन प्यार में. नहीं नहीं नहीं, अब वी बिकम रियली गुड फ्रेंड्स. अब जो है वो क्योंकि हमने मिलकर एक दो चीजें स्टार्ट की एंड थैंकफुली वी वर ऑन द सेम पेज. हमने एक कैंपेन लॉन्च की जिसका नाम है अब करना क्या है. और वो हमने नकब जन, जो हमारा सीरियल अभी ऑन एयर जाने वाला था, क्योंकि वो सोशल सब्जेक्ट है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए द कैंपेन हमने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. ठीक है, उसको हम बहुत बड़े उस पर करना चाह रहे हैं, यू नो, पर्सपेक्टिव उसका बड़ा रखना चाह रहे हैं. जो हमने स्टार्ट लिया था वो मर्द और औरत की जो बराबरी या ना बराबरी के ऊपर हमारे बहुत इक्वालिटी पे है. वो इक्वालिटी के ऊपर बेसिकली हमने बात की थी कि अगर जैसे मैंने जो बात की थी वो मर्दानगी के ऊपर की थी कि मुझे रखने से या औरत को दबा लेने से आप मर्द नहीं बन जाते हैं. सही. जो और हमारा बहुत जेन्युइन इसके अंदर जो रेप सर्वाइवर्स, इन्होंने रेप सर्वाइवर्स के ऊपर बात की थी, हाजरा ने मेंटल थेरेपी के ऊपर की थी. सो द थ्री ऑफ अस वी नाउ टेकिंग इट फॉरवर्ड, नाउ वी मूविंग टू अदर. और मैं ये समझता हूँ कि जितना लोग हमारे प्लेस देखते हैं और जितना हमारा मीडिया स्ट्रांग हो चुका है, इंडिविजुअली सब एक्टर्स किसी ना किसी सोशल कॉज को लेकर अगर चलें
और लोगों से बात करें तो बहुत फर्क पड़ता है, लोग बहुत सुनते हैं, देखते हैं, जी जी जी, और लोग अमल भी अपना चेंज कर सकते हैं, बड़ी जिंदगियां बदल सकते हैं। देखिए अब तो आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि आप मिलियन फॉलोअर्स तो बहुत आराम से अब सबके हैं। सही। सो यू नो यू हैव दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन एम्बेसडर ऑफ एनीथिंग, यू नो एनीथिंग व्हिच कुड गिव अ गुड मैसेज, व्हिच कुड चेंज वन लाइफ एटलीस्ट। तो आई थिंक आपका एज एन एक्टर जो अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है, आप वो थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दें तो अच्छा होगा। ठीक है, ज़बरदस्त बातचीत जारी है जनाब, हमारे पास दोनों बड़े प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं और अगला सेगमेंट भी बड़ा प्यारा है, तो मूव ऑन करते हैं। कौन जाएगा पहले मतलब एक्टिंग करना? आई थिंक ये बहुत सीरियस लेती हैं गेम्स को, तो इनको आए जी सबूर आ जाओ। नंबर जो है वो अली आप चूज करोगे। नंबर आप वन। यार अली आपको वन ही मिला था। मैंने कहा था कि वन में जरा मुश्किल, क्या क्या है, कुछ करके कोशिश करें आप, यू कैन डू इट, कम ऑन। ये गाना भी है मुहावरा भी है। हाँ, इसकी एक्टिंग वैसे मुश्किल है सबूर। छह वर्ड्स ठीक है। फर्स्ट वर्ड कहाँ? हाँ हाँ। सेकंड वर्ड मर्द मूछे जेंटलमैन। हाँ तोड़ना है इसको। हाँ अच्छा ट्रांसलेट करने है। उर्दू में बोलो ना। मेरा बाबू चहल चबीला। पहला लफ्ज कहाँ है तो मेरा बाबू का कहाँ को जेंटलमैन को। अच्छा कहाँ राजा और कहाँ गंगू तेली। नहीं हाँ कहाँ राजा भी सही बोझ हा, और हा, 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 और कहाँ गंगू तेली। और अभी दो अभी मैंने करा। ये कैसे बताया इसने, ये कैसे इसको पता लगा? आई एम सो इंटेलिजेंट, आई हैव इंटेलिजेंट फ्रेंड्स सर, आई हैव इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, मेरी इंटेलिजेंस बहुत। सबूर तुम्हारी हेल्प की जरूरत है मुझे शायद। आज इतने बड़े बोल ना बोलें, आपके पास पहला जो आया है ना बताइए प्लीज। आई विल गो फॉर 9। ये एक सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है। हाँ सिचुएशन है। ओके ये वर्ड टू वर्ड बताना पड़ेगा सबूर। वर्ड टू वर्ड मतलब ये मुहावरा नहीं है तो। सिक्स वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड एक सर। हाँ दूसरा सर हेड बाल दिमाग। क्या ये और ये क्या है? दिमाग नहीं खाली। बाल हाँ नहीं गंजी। हाँ जी नहीं जा करो गंजा। हाँ एक गंजा पहला लफ्ज है गंजा। हाँ पतंग उड़ा। हाँ 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 एक गंजा पतंग उड़ा रहा है। हाँ ये सच में वाह यार दैट वाज क्विक यार वाओ। ऐसे कम मेहनत करनी पड़ी सबूर, ये तो जल्दी हो गया। मैं अच्छा गेस करवा रही हूं। नहीं 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 असल बात ये है सारा क्रेडिट ठीक है। सीन के बाद भी यही होता है। हां अगर डायरेक्टर आके कह देना यार अली बहुत अच्छा सीन किया है तो वो कहती मैंने क्यूज अच्छे दिए थे, मैंने रिएक्शन अच्छा दिया था। क्यूज हो गई है यार तो ये कहने वाली बात है नहीं वैसे, ये पता है सबको। नेक्स्ट नेक्स्ट आप 4 बहुत आसान। ये क्या मुहावरा है? मुहावरा है। 3 वर्ड्स वैसे 4। थर्ड वर्ड साड़ी कपड़ा ब्लैक काला। हाँ दूसरा मैं काला। रोटी खाना खाना। ये क्या यार क्या इतनी फ्रस्ट्रेशन। काला की बात तो समझ आ जानी चाहिए, कॉमन सेंस है। नहीं मुझे नहीं समझ में आ रही। देखिए डैश में काला दाल में काला। ये देखो और जी आई आइए सबूर आइए। बहुत खूब सबूर वेरी नाइस बहुत जबरदस्त। क्या बात है अब ये जान के मुझे ना गलत गेस कर। मैंने तो तीनों करेक्ट बोल दिए ना। हाँ चूज योर डेस्टिनेशन। 7 ठीक है
ओके आसान है, आसान है, हाँ आसान ही है अगर समझे। कितने वर्ड्स हैं? हाँ मुहावरा है, गाना है, क्या है? गाना है। एट, अच्छा पहला बस। हाँ पाकिस्तानी है। हाँ नई फिल्म? नहीं पुरान बस। बस में नहीं कुछ इस तरह करके थर्ड वर्ड बता रहे हैं आप, जल्दी बताएं। भी बस, बस हाँ। में बस बस में बस भाई बस ज्यादा बात नहीं। चलो ठीक है, वेरी नाइस यार, ये तो चल रहा है बड़ा अच्छा हो गया। नाइन नाइन हो चुका है। तो फिर जो निकाल रहे थे निकाल दें, मुझे नहीं पता, कुछ मुश्किल आ गया तो फिर नहीं। अब वो आ गया तो ब्लेम गेम का बहुत सीन है, बॉस से बहुत है। ओह अच्छा मैं बोल नहीं सकता, मुहावरा जो तू मतलब बोलना चाह रहा है यार, गाना है, मूवी का गाना है, गाने ही आ रहे हैं। हां फोर वो मैं से और लफ्ज बनाना। हाँ मेरा। हाँ 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 मेरा। हाँ कुछ सामान नहीं, दूसरा वर्ड बहुत आसान है। अब वो उसमें बड़ी देर लगी। और ये देखो दूसरा वर्ड, चाय पीना। हाँ मेरा पिया घर आया। कैसा अब बता। थैंक यू बोलो मुझे, कितनी हेल्प कर रहा हूँ यार। अब बताएं तीसरा कौन सा? सिक्स सीन। हाँ क्या पूछो कि तो बताएगा ना, मुहावरा है, गाना है। ये बड़े बड़े बोल नाजरीन, ये दोनों नाजरीन, ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ ना, वो बोल रहा है तीनों गाने यार। अच्छा चले चार, पहला साड़ी, दुल्हन दुपट्टा। हाँ हाँ दूसरा मेरा रंग, तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड हाँ दुपट्टा मेरा। आई प्लेड इट सो मच। मलमल का। हाँ जो बात है ना वो ये है कि सबूर वॉज लॉस्ट राइट, वहां पे मैं खड़ा हुआ हूं और सबूर ही हूं। मैंने आपसे पहले गेस किया और मेरे ज्यादा मुश्किल भी थे। बहुत आसान थे दुपट्टा मेरा मलमल का, कितना आसान था यार ये तो बहुत। आपको क्या पता। अच्छा यार चले जरा, बड़ा मजा आ रहा है दोनों के साथ और मजे की बातें चल रही है, एक्टिंग मजे की थी दोनों की, बहुत अच्छी थी। लेकिन ब्रेक का वक्त है, छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रही, देख रही है बॉल मैच में ऐसा। फैंस की हम बात कर रहे थे, फैंस ऑब्वियसली होते हैं तो कोई भी आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ जो होती हैं उनको फॉलो करते हैं लोग, या जो मेहनत भी कर रहे होते हैं ट्रेन भी करते हैं, तो डज इट मैटर द वे फैंस ट्रीट यू, या अगर फैंस कुछ बता रहे हो तो डू यू फॉलो दैट? आई थिंक हमारे फैंस जो हैं दे वेरी इनोसेंट, बहुत मासूम होते हैं, और इसका अंदाज़ा मुझे टाइम के साथ हुआ, जब एक दफ़ा मैं एक मॉल से निकल रहा था और मैं एस्केलेटर से नीचे आ रहा था तो एक हाथ मेरे कंधे पे आया और भाई कैसा है मुझे लगा मेरा कोई दोस्त है शायद, तो मैंने मुड़ के देखा, मैं बड़ी देर देखता रहा कि कौन है, मैं भूल जाता हूँ इस तरह बहुत पुरानी मेमोरी का कोई बंदा हो, और वो मेरे ट्रिक्स होते हैं फिर मैं किस तरह पता करूँ, तो मैं अब उनसे कह रहा हूँ जी मैं ठीक हूँ। You were trying to recognize him कि शायद मैं जानता हूँ, इतना अच्छे frankly मिल रहा है, बड़ा तू यार नेगेटिव वेगेटिव करता है, अच्छा करता है, हैं तो इतनी दूर क्यों हो रहा है मेरे से, और पकड़ के ही स्टार्टेड तस्वीर तो खिंचवाना, यार मेरे से लड़ाई है तेरी, और मतलब फोन ऐसे पकड़ा देते हैं
ये पिक्चर ले। अच्छा फोन के अलावा ना जो मुझे सिर्फ एक चीज थोड़ी सी कभी मैं रिलक्टेंट होता हूँ वो था कि बहुत छोटे बच्चे अपने पकड़ा के कहते हैं कि तस्वीर खींचे। अब बच्चे रो रहे होते हैं। अब बच्चे रो रहे होते हैं या इतनी सी बच्ची लगे कहेंगे आपकी बहुत बड़ी फैन है और मैं कहता हूँ इसको पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ इस बेचारी को क्या पता है। और लोग ये करते हैं बट they want कि उनके बच्चों की तस्वीर उनके फेवरेट एक्टर्स के साथ हो। प्यार भी होता है इसी के लिए तो अच्छा एक्चुअली अली वो लोग जब टेलीविजन पे हम लोगों को देखते हैं तो एक बड़ा जबरदस्त रिश्ता कायम हो जाता है जी। ये तो ऐसे होता है कि वो हम लोग शायद उनको उस तरह से नहीं जानते पहचानते लेकिन हमें इतना देख रहे होते हैं कि उनको ये लगता हम उनके घरों में इस वक्त एवरी डे वेयर इन देयर होम इन देयर लाउंजेस इन द बेडरूम्स So, उनको ये लगता है कि ये हमारे अपने लोग हैं इसलिए वो इतना प्यार भी करते हैं टाइम से तो हम इतना बिल्कुल एफर्ट करते हैं हाँ और उनके प्यार की कदर भी करनी चाहिए लेकिन हाँ जहाँ एक लिमिट्स होती है वो इंसान को खुद भी एक एथिक्स के साथ सेट करनी चाहिए। सबूर ने जब अली जब आपने बोला ना कि फैंस जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं तो सबूर के चेहरे पर ना एक बड़ी अजीब सी एक मुस्कुराहट इस बात पे नहीं हो गई होगी ऐसी चीजें आप लोग कहाँ छोड़ते हैं इन्होंने जब कहा ना कि बड़े मासूम से होते हैं तो मैंने ये सोचा कि जाहिर सी बात है इनको तो सब मासूम लगेंगे अपने आगे तो वो मेरे दिमाग में चल गया था इसलिए मेरी हंसी निकली। ये देखिए आप बड़ी गहराई की बात की मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये डायरेक्टली बात करती है सज्जल आंखों से बोलती है ये बहुत गहरी बात कुछ समझ आती है कुछ नहीं समझ आती। अच्छा ये बोल देती है मुंह पे कि आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा जो फॉलो करते हैं लोग सोशल मीडिया पे फैंस हैं ज्यादातर या आर दे लाइक जस्ट फॉलोइंग यू एंड दे आल्सो क्रिटिसाइज यू अ लॉट? नहीं फैंस तो बहुत हैं फैंस जेन्युइन फैंस हैं और जो होते हैं जो फजूल थोड़ी सी बातचीत हो जाती है वो भी है लेकिन वो कम है। ठीक है अच्छा ये तो वैसे हुआ ही होगा गलत वॉशरूम में चले गए कभी किसी होटल में एयरपोर्ट पे कहीं पे लड़कों का था तो अब फिर निकल आए थे जल्दी या वहीं रुक गए थे? नहीं जब मैं तो एंटर हुई मुझे पता चला इतना गंदा वॉशरूम समझ आ गई लड़कों का है बाहर निकला है। लड़कों का बहुत गंदा होता है वाकई में लड़कों का वॉशरूम बहुत गंदा होता है। सही है कभी किसी आर्टिस्ट के साथ को एक्टर के साथ बहुत कोई अच्छी लगी हो या अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा मतलब ऐसी जरा गपशप से जरा ज्यादा बात बढ़ गई हो कोशिश की कभी? सबूर सच सच बोलो हाँ मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। नहीं I have never ever इतनी बात सो मैं माशाल्लाह you haven't either never ever I can't even think of it। ठीक है कितने साल हो गए शादी हुए? 7। ठीक है अच्छा किसी और ने ऐसा किया हो किसी को एक्टर ने या किसी ने हाँ थोड़ा सा कुछ इस तरह कोशिश की हो कभी? हाँ वो तो चलता है वो तो होता है मतलब किसी और ने यस हाँ बट आई दे हैव बिल्कुल हाँ ये दे हैव पे फौरन मान गए दोनों खुद ऐसे बना जैसे कभी हमने हाँ दूसरे सारे करते हैं और ये दोनों बड़े मासूम हैं कर ले तो बेचारे का या बेचारी का साथ देने के लिए थोड़ा बुरा फील ना हो उसको तो फिर थोड़ा हाँ तो थोड़ा सा बंदा वैसे ही कर्टसी के अंदर ही आप जवाब दे देते हैं कि अच्छा चलो यार ठीक कोई बात। स्क्रिप्ट पढ़े बगैर या पूरा स्क्रिप्ट खत्म किए बगैर सेट पे पहुंच गए ड्रामा करना कभी हुआ? पूरा तो हो जाता है क्योंकि कभी-कभार स्क्रिप्ट साथ-साथ लिखी जा रही होती है बट सीरियस हो गए बट जनरली यस आई हैव नेवर डन दैट यू ऑलवेज मेक श्योर यू गाइस रीड द स्क्रिप्ट प्रॉपर व्हाट व्हाट होता है वरना हमने देखा है दूसरे एक्टर्स को वो सेट पे आके लड़ाई करते हैं 5 एपिसोड्स तो पढ़ ही लेती हूं उसके आगे खुद लिखती है ना कहानी फिर बनाती बताती कि नहीं यूं होना चाहिए बुनती हूं बुनती हूं। कभी किसी को जिंदगी में थप्पड़ मारे? Always been known for that. हाँ. अच्छा, अली किसको? मैं तो अक्सर लोगों को बताता हूँ मैं तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ बड़ी बात है मैं तो बहुत लड़ाका मैं तो थप्पड़ ही बड़े मारता हूँ नहीं और थप्पड़ खाए भी बहुत हुए हैं। अच्छा बहुत मैंने जैसे लड़कों की लड़ाइयाँ हो जाती है रोड पे या कॉलेज लेकिन मेरी थोड़ी एक्सेप्शनली ज्यादा थी। अच्छा एक्सेप्शनली ज्यादा थी और मेरे अब्बा जो हैं अल्लाह का शुक्र है कभी मेरा कोई बहुत सीरियस नहीं हुआ बट पुलिस लाहौर की मुझे तकरीबन सारी जानती थी। एक वक्त आ गया था कि वो कहते थे कि ए भाई पागल है छोड़ दो इन्हें तो वो एक दौर था वो उस तरह का था मैं बट आई एस्केप्ड समहाउ। सबूर किसको मारे थे? नहीं मारा तो आई हैव बोला आई हैव वो मैंने गलती से कह दिया गलती गलती से नहीं मारा ये बता दे छुपा गई है
टाल गई है बात को मारते मारते दो तीन दफा रही है वैसे मैंने देखा है मारा होगा ऐसी बोल लेकिन आंखों की चपेट काफी अच्छा ठीक है मैं वो बहुत करती हूँ हैव यू एवर हर्ड के आप दोनों पर्ची आर्टिस्ट हो ठीक है हाँ किसी को एक्टर पे या कभी किसी भी एक्टर पे सीनियर जूनियर somebody not from Pakistan crush hua kabhi you have had a crush on them like who like recent I have a huge crush on Myra Khan and it's been 10 years acha it's been 10 years okay I still have a huge crush on her she's gorgeous she's amazing I think jis tarah ki grace Myra mein hai I have never seen an actress in Pakistan like that. Wow, kya baat. Ji. Nawan Ijaz. Bahut pasand hai mujhe. Mujhe mauka zyada nahi mila unke saath kaam karne ka. Ek hi serial ki hai. Lekin main wait kar rahi hu ki ab main dobara unke saath kab kaam karungi. Zabardast. Kya baat. Kya choice hai yaar. Dono ki kya choice hai. Acha, instead of listening to the director or while shooting You guys play Candy Crush or PUBG or any game on the phone. You do that? I usually do that. When I feel ki director ko khud nahi pata wo bechara kya bata raha hai. Ali. Ali. So you know I start playing and main acha iski you have never नहीं मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ नहीं मैं गेम में नहीं खेलती गेम नहीं खेलती लेकिन फोन यूज़ करती हूँ नहीं फोन यूज़ नहीं करती मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ सुन रही हूँ लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सुन रही अच्छा हाँ ये भी होता है बट मेरा मकसद तो ये होता है ये गेम नहीं खेल रही थी इंस्टाग्राम या स्नैपचैट इस तरह की कोई चीज कर रही थी शी इज मोर इनटू दैट स्टफ आपको ज्यादा मैं गेम खेल रहा होता हूं नहीं बिकॉज आई एम वर्किंग विद यू आई नो बट उसका जो मकसद होता है नहीं इट्स नॉट दैट वी आर बैड पीपल बट समटाइम्स क्या होता है कि आपने एक कैरेक्टर को या एक सीन को एक अपने तरह से सोच लिया होता है और आपको लग रहा होता है कि यार ये बेहतर कर जाऊंगा या कर जाऊंगी मैं तो डायरेक्टर जब अपना कोई वर्जन दे रहा होता है और वो स्पेशली वो कनेक्ट ना कर रहा हो आपसे तो फिर मुझे लगता है उसको बस यही करना चाहिए कि मूव आपकी गलत हो गई सही हो गई जो भी वो कर लें अच्छा हैव यू एवर डन दिस के सीन हो रहा और बहुत हंसी आ गई और सीन कैंसिल हो गया या डिले हो गया या शूट कैंसिल हो गया बहुत ये तो मसला बहुत बड़ा मसला है क्या मसला है ये मसला बहुत बड़ा मसला है कि कभी बस आ जाते हैं सामने वाले एक्टर पे हंसी आ रही होती है सामने वाले एक्टर पे हंसी आ रही हां हां सामने वाले एक्टर पे भी ये सबूर देखो हम सीन पे हंसते हैं आपको मुझ पे हंसी आ रही होती है सबूर आज पता चला कि किस पे हंस रहा था तुम्हारे साथ सीन करते हुए ऑनेस्टली एक दो दफा आप पे भी आई है मुझे हमेशा ही आप पर आई है मैं भी कन्फेस कर दूं कर लेना चाहिए सबूर आइए कभी हंसी आइए बहुत दफा मतलब दिन में तीन सीन्स में तो ऐसे ही होता होगा कि हंसी के दौरे और सबको पता होता है कि ओ अच्छा हंसी का दौरा पड़ गया अब रेस्ट कर लो हमारा जो आजकल डायरेक्टर है ना वो कहता है जानी ना कर यार जानी क्या कर रहे हो यार पता है 12 सीन और हम हंस हंस के कमरे से बाहर जा रहे होते हैं फिर वापस अंदर आते हैं कहते सॉरी सॉरी यार दोबारा कर लेते और फिर वो ही रिपीट हो रहा है भी बड़ी है मुझे तो एक दफा मेरा तो डायरेक्टर सेट छोड़ के चला गया था हाँ मेरे साथ भी यही हुआ था अच्छा कभी ऐसा हुआ कि कोई एक्टर बिल्कुल ना पसंद है लेकिन उसके साथ काम करना पड़ गया हैव यू एवर वर्क्ड विद सच एन एक्टर आई हैव वर्क्ड विद सेवरल एक्टर्स व्हिच यू डोंट लाइक सेवरल एक्टर्स दैट आई डिड नॉट कनेक्ट विद बट आई हैड टू फुलफिल माय कमिटमेंट ऑब्वियसली हैव यू एवर नहीं मुझे सब अच्छे लगते हैं यार ये तो सब बहुत अच्छे ये तो बिल्कुल अब वो बोर्ड ले ही ले मेरा ख्याल है अब वापस मुझे लगा शायद बदला ले लोगे और बोलोगी हाँ अली के साथ में काम करती हूँ ये भूल गई ना ये तो अली भूल गई अली भूल गई है देखो जैसे मैंने सबूर का ही बताया अली इतनी लगी थी I'm so sorry दिल पे ले ली बहुत दिल पे ली थी सबूर I'm so sorry Have you ever lost your continuity shooting की continuity और गुम गई आजकल एक चल रहा है उसमें गुम गए मैं ही चेंज हूँ मेरी कंटिन्यूटी चेंज हो चुकी हुई है क्योंकि वो एक साल पहले नहीं वो एक साल पहले रुक गया था और एक साल के यार सबूर अच्छा सबूर कभी अच्छा लड़कियों की क्योंकि इतनी चीजें होती ना हाँ। क्योंकि वो जूती के साथ मैचिंग कपड़े के साथ ज्वेलरी और कभी
सबूर ने तो वो खुस्सा स्टोर खोला होता है सेट के ऊपर। वो एक दिन मैं आया था तो खुस्से पूरे कमरे में थे। मैंने कहा ये क्या एग्जीबिशन है क्या है, तो वो पता चला कि साथ लेके आती हैं अपने। हाँ बहुत ज्यादा कह रही है क्या ओके। कभी किसी ने कभी ऐसा हुआ, हैव यू एवर सीन दिस हैपनिंग विद यू दैट और विटनेस्ड इट के किसी ने पैसे कोई कमिट किए हो और कुछ और दिए हो या कोई पैसे खा गया हो? हैव यू ऐसा तो शुरू में नहीं हुआ? नहीं ठीक है, पैसे रुक जाते हैं रुके रहते हैं। सबूर हंस रही, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे क्या कह रहा है। आज कोई सच नहीं बोला है, मैं आपको बता रहा हूँ ये सच के वो क्या कहते हैं इनके शॉप हुआ सच के देवता सबूर, क्योंकि आई डोंट बिकॉज़ आई मेट हर सेकंड टाइम आई थिंक इन लाइफ और द थर्ड टाइम। हां और इतना ज्यादा टाइम जानते नहीं, 10% आपने, बाकी तो आप ज्यादा बोल ही नहीं। मैं ही बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं ज्यादा। हां मैंने कहा आज आपको मौका मिल जाए, अब तक नहीं ठीक हुआ मामला, मुझे नहीं बोलना। कभी सीनियर एक्टर कोई बहुत जो सीनियर और एक्टिंग देख के डिसअपॉइंटमेंट हुई हो? हां बिल्कुल बिल्कुल। Oh, haan, sorry. So you have been disappointed several times. Because मुझे लगता है कि सारे नहीं but कुछ actors हर दौर में हर जगह पे overrated होते हैं, so वो उसकी वजह से फिर बाज़ और मेरे ख्याल से अली अब एक्टिंग का स्टाइल भी चेंज हो चुका है, चीजें चेंज हो चुकी हैं तो अब वो जब वो पुरानी वाली चीज कर रहे होते हैं ना तो वो हैरानी होती है कि ये कैसे, और वो ओवर शायद था पहले नहीं, वो मुझे लगता है वो मेथड था। नहीं नहीं हर डेकेड के बाद व्हाट आई फील या आफ्टर 8 इयर्स इज अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज, क्योंकि आपकी जनरेशन ही नहीं आती है तो स्टाइल एक्टर वही कामयाब है जो हर दौर में अपने इवॉल्व करे, बस इवॉल्व करता। ठीक है जबरदस्त जी। अच्छा ये बताओ कभी ऐसा हुआ कि सेट पे लेट पहुंच रहे हो, देर हो गई है और उनसे झूठ बोला? कितनी बार? काउंटलेस टाइम्स जो मेरा बेटा है वो मेरे बगैर स्कूल नहीं जाता। ओके सो यू ड्रॉप हिम इन द मॉर्निंग, सो यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। आई वेक अप एट 7 और सबूर तो नहीं बोली इस बात पे, टाइम पे पहुंच जाती है सबूर इतनी बड़ी स्टार है कि सबूर जब लेट भी आती हैं तो सबूर से कोई कुछ पूछता नहीं है, एटलीस्ट हमारे सेट पे तो कोई पूछता नहीं कि सबूर आप लेट क्यों आई। नहीं मैं इतना लेट होती नहीं हूँ कभी वैसे, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ, मैं 7:30-7:30 वैसे ही नॉर्मली उठ जाती हूँ, या फिर आजकल तो मैं 5 उठ जाती हूँ सुबह, तो फिर बस उठी रहती हूँ, तो फिर मेरे पास करने को इतना कुछ होता नहीं है। ऑन सीरियस नोट वैसे सबूर का प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है वो सेट पे बहुत अच्छा है। आगे तारीफ आगे यार, कामयाब जगाओ मुझे जगाओ पानी दो। नहीं वो अच्छा है, वो अच्छा है, शी इज अ वेरी हेल्पिंग एक्टर। ठीक है सोशल मीडिया पे बूस्ट करके पैसे लगा के हैव यू एवर मेड श्योर पीपल फॉलो यू? नो आई डोंट हैव एनी फॉलोइंग ऑन द सोशल मीडिया, आई मीन आई एंड ऑल माय फैंस आर ऑर्गेनिक। ठीक है जबरदस्त यार, बड़े मजे के जवाब है। और टाइम कैसे इतनी स्पीड से गुजर रहा है पता नहीं चला। ब्रेक का वक्त है जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। क्या आप बहुत अच्छा गाते हैं, सुना दें कुछ? ये ऑन एयर जा रहा है। हाँ, तो आप तो अच्छा गाते हैं, आप नहीं तो वो टाइम खत्म हो गया अब गाने वाने का, अब तो हम आखिरी मैसेज देंगे आप लोगों को। अच्छा हाँ ना यार, वो हम अगली मैं तो सुना दूंगा, इन लोगों को सुनाता रहूंगा मैं, हमारे वो चलता रहेगा। वो क्या हमें कौन सुनाएगा? अब वो फोन पे सुना दो वॉइस मैसेज वॉइस नोट सही है। अच्छा जाते जाते कुछ लोगों से कोई बात, कोई स्पेशल बात, यू वांट टू से समथिंग टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर फैंस? My family, they know I love them. My friends, I'm always there for them. But fans, मैं हमेशा जब भी मैं जाता, बहुत कम शोज में हूँ, बट जब भी मैं जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जितना मर्जी हंसी मजाक कर दियो एंड मेक सीरियस अच्छी बात ज़रूर बताई जाए उनको। और आजकल जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 सोशल मीडिया पर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
प्लीज़ उसका एहसास ज़रूर कीजिए। आप लोग अपनी फ्लो में किसी का भी मजाक उड़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, बट आप शायद ये भूल जाते हैं कि जिस एक्टर या एक्ट्रेस के लिए आप बात लिख रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ पे या उनके अपने माइंड पे कितना बुरा असर पड़ेगा उस बात का। वी ऑल्सो हैव फैमिलीज एंड वी कम फ्रॉम, ट्रस्ट मी, हम एक्टर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड बुरा है। वी कम फ्रॉम प्रिटी रीजनेबल फैमिलीज, पढ़े लिखे लोगों में से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि अच्छी बात हो। और अगर आपको कोई बुरी बात लगती भी है तो उसके चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, यू नेवर नो कब कोई हो ना हो आपको पछतावा हो उस बात का। प्लीज़ स्टॉप रबिशिंग पीपल ऑन सोशल मीडिया, दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट। ज़बरदस्त। सबूर, क्या कहना चाहोगी जाते जाते? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनों की, अपने जो करीबी रिश्ते हैं उनकी कदर कीजिए इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, प्लीज़। बहुत खूब जी, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा अली, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। नहीं, इट्स अ टोटल प्लेजर, यू गाइज आर सुपर टैलेंटेड बोथ ऑफ यू, सबूर यू ऑल्सो, और अच्छा अच्छा काम करते रहो, दोनों को ऑल द लक, बेस्ट विशेज, एंड मे यू गाइज रॉक, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, बहुत कामयाबी मिले, और बस हम देखते रहते हैं। टेक केयर गाइज, एंड मुझे बता दें अब किससे मिलना है भाई, हम तो वही लोग बुलाएंगे जिनको आप चाहते हैं मिलना। तो नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपके फेवरेट सितारों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।